नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ, 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना से 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे ताकि गरीबों को धुएं से मुक्ति मिल सके। मोदी ने कहा कि हम यहां मजदूर दिवस के दिन एकत्रित हुए हैं। मैं श्रमिकों के मेहनत की सराहना करता हूं, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। मैं देश का मजदूर नंबर 1 हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती जो 5 करोड़ परिवारों को छूती हो। हमने पेट्रोलियम सेक्टर को गरीबों के लिए बना दिया, जो पहले कभी नहीं बना था। मोदी ने इस मौके पर 10 बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। यूपी चुनाव में कांग्रेस उतारेगी ब्राह्मण सीएम उम्मीदवार, प्रियंका के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के चलते अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अगले एक पखवाड़े में राज्य के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है। बताया जाता है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है, जो संभवतः ब्राह्मण होगा। पार्टी के एक तबके का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की संभावना तभी है जब प्रियंका या राहुल प्रदेश में चुनाव का नेतृत्व करें। समझा जाता है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस पक्ष में है कि दोनों में से कोई गांधी राज्य चुनाव में नेतृत्व करे, और अगर वे इसलिए राजी नहीं होते तो किसी जाने माने ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहिए। नेतृत्व के नजदीक सूत्रों ने संकेत दिया कि बदलाव के बारे में प्रमुख फैसलों का ऐलान 19 मई के बाद होगा, क्योंकि उस दिन असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड के बाद हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भीषण आग। वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड का लगभग 2552 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट से तबाह हो गया है। वहीं 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच एनडीआरएफ का कहना है कि जंगलों में लगी आग पर 70% काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड के साथ ही जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों से भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी वन विभाग में आग लग गई। वहीं शिमला में 12 वन विभाग में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इस आग से करीब 50 हेक्टेयर का जंगली इलाका प्रभावित हुआ है। शिमला के डीएफओ रमन शर्मा का कहना है कि राज्य में विभिन्न इलाकों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। आग की वजह से 50-60 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है।